आइए आज जो है एजी गार्डनर का इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके पहले भी बता चुके हैं आपको इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन, आज जो है हम देखेंगे बट आई सेल नॉट से लेके लिटिल ब्रदर, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगा 2021 के लिए, क्योंकि ये 2019 में भी आ चुका है। क्लियर? तो जल्द का ही आया है, इम्पोर्टेंट है। तो द राइटर बिथ्रा, तो इसका कॉन्टेस्ट हम देख लेते हैं, रेफरेंस लिखना आप लोगों को पता है, पीछे बताया भी जा चुका है। द राइटर विथड्रा, विथड्रा का सेकंड फॉर्म होता है विथड्रू, विथड्रू माने होता है वापस ले लिया। द डेथ सेंटेंस माने मृत्यु दंड, सेंटेंस माने दंड या सजा भी होता है, ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर अपने सहयात्री के, तो लेखक अपने सहयात्री के मृत्यु दंड को क्या किया, वापस ले लिया। देन ही केम, तब वह आया एंड सैट ऑन हिज न्यूज पेपर, और फिर उसके न्यूज पेपर पर क्या किया, बैठ गया। ठीक, तो ये आपका कॉन्टेस्ट है, क्योंकि बट आई सेल नॉट से लेकर लिटिल ब्रदर, तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कॉन्टेस्ट कहते हैं। तो कॉन्टेस्ट में कितना आपको लिखना है, द राइटर विथड्रू द डेथ सेंटेंस ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, लेखक अपने सहयात्री के मृत्युदंड को वापस ले लिया। देन ही केम एंड सेट ऑन हिज नोज, फिर वह आया और उसकी नाक पर बैठ गया, मच्छर आया और लेखक की नाक पर बैठ गया। फिर उसके बाद बैठने के बाद क्या लेखक बता रहा, वही चीज़ बताते हैं। चलिए देखते हैं पहले इसका जो है थोड़ा सा अर्थ जो है फिर से रिपीट करके तुरंत उसका एक्सप्लेन आपको बता रहे हैं। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखिए हल्का सा इसका पहले अर्थ देख लेते हैं, तुरंत एक्सप्लेन बता रहे हैं साथ के साथ। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव डिप्राइव्ड यू, मैं तुम्हारी सजा को टाल दिया हूँ। रिप्राइव्ड मतलब होता है पोस्टपोन द पनिशमेंट, सजा को टाल देना। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, सेटिस्फाई मैंने होता है संतुष्ट करना, गिव यू सेटिस्फैक्शन। दैट वेन दिस लार्ज एनिमल, कि जब यह बड़ा जीव, बड़ा जीव मतलब राइटर तब लेखक खुद, सेज ए थिंग कोई बात कहता ही मीन्स इट, तब उसका मतलब उसी से रहता है। मोर ओवर माने होता है इसके अतिरिक्त, यानी बिसाइड्स माने इसके अतिरिक्त होता है। आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मेरी अधिक लंबी समय से तुम्हें मारने की भी इच्छा नहीं है। डिजायर मतलब विश, टू किल मतलब टू गिव यू पनिशमेंट। दो थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में अधिक अच्छे ढंग से जानकर, थ्रू माने से नोइंग यू बेटर, बेटर मीन्स अधिक, तुम्हारे बारे में अधिक अच्छे ढंग से जानकर। आई हैव कम टू फील, मैं महसूस करने लगा हूँ, सेल आई से मैं क्या कहूँ, ए सार्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार से तुमसे मुझे स्नेह हो गया, स्नेह मतलब लगाव हो गया। आई फैंसी दैट, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस यानी संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, तुम्हें छोटा भाई कह के पुकारते होंगे। तो यहीं तक इसका एक्सप्लेन देखना है। चलिए अर्थ बता दिए, थोड़ा सा आपको जानकारी हो गई, सिनोनिम्स पर चर्चा हो गई, अब इसका एक्सप्लेन केवल इंग्लिश टू इंग्लिश देख लेते हैं। बट आई शैल नॉट डू इट, अगर इसका एक्सप्लेन करना चाहोगे तो पहले आपको लिखना पड़ेगा द राइटर सेज दैट, क्या कहोगे, द राइटर सेज दैट, इसको आपको हमेशा शुरू में लिखना पड़ता है। लेखक कहता है कि, अब जो भी कहता है उसको अपने भाषा में लिखो, उसके बाद आप लिख देना। ठीक है, आई शैल नॉट डू इट का मतलब क्या होगा, लेकिन मैं इसे नहीं करूँगा, इसे नहीं करूँगा कि मतलब वह मच्छर को मारेगा नहीं, ठीक ना, किसके पहले नहीं यार कि मतलब चाहे तो दो आर्टिकल के बीच में तुमको दबा कर मार सकते हैं। तो मतलब कि आपको लेखक तो कह दिया अपने हिसाब से, आपको अपने हिसाब से बताना है, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आओ, इसको एक्सप्लेन करो, बताओ। तो आप इसको ऐसे कर दो, लेखक कहता है कि वह मच्छर को नहीं मारेगा, क्लियर। तो आप ऐसे कर दो, द राइटर सेज दैट ही विल नॉट किल द मॉस्किटो, आई शैल नॉट डू इट मतलब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें मतलब मच्छर को, हम कहेंगे कि ही विल नॉट किल द मॉस्किटो, कि वह मॉस्किटो को नहीं मारेगा, क्लियर। अब उसके बाद देखिए, आई हैव रिप्राइव्ड यू, इसकी जगह लिख देना बिकॉज ही हैज पोस्टपोन द पनिशमेंट, क्योंकि उसने सजा को क्या किया है, टाल दिया, मैं तुम्हारी सजा को टाल दिया, हम एक्सप्लेन में क्या कहें, क्योंकि वह उसकी सजा को टाल दिया, ऐसे आपको एक्सप्लेन बेटर होगा कि द राइटर सेज दैट ही विल नॉट किल द, ही के साथ विल हो जाएगा, एक साथ से लगा विल, ही विल नॉट किल द मॉस्किटो बिकॉज ही हैज पोस्टपोन्ड द पनिश, POSTPONED पोस्टपोन्ड माने टाल देना, POSTPONED ही हैज पोस्टपोन्ड द पनिशमेंट। ठीक है, अब उसके बाद एंड आई विल सेटिस्फाई यू, तो अब इसको नया सेंटेंस बनाओ, एंड आई विल सेटिस्फाई मतलब इन दिस वे, इस तरह से ही विल सेटिस्फाई
द मॉस्किटो। इस प्रकार से वह मच्छर को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। या हिम भी कर दो, ही विल सेटिस्फाइड हिम कर दो, इट भी कह सकते हो, मच्छर के लिए इट भी लगता है, ही विल सेटिस्फाइड इट दैट। ठीक है, अब उसके बाद दैट का दैट ही रहो, ये नया सेंटेंस एंड हटा के नया सेंटेंस बना दो कि मतलब इस तरह से वह उसे संतुष्ट कर देगा। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से शब्द लो, दूसरे को कैसे समझाते हो, क्लियर। वेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, ठीक है, तो वेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट। तो दैट वेन दिस लार्ज एनिमल मतलब वेन द राइटर, लार्ज एनिमल किसके लिए आया है, राइटर के लिए आया, तो आप लिख दो द राइटर। वेन द राइटर सेज ए थिंग, सेज ए थिंग मतलब सेज एनी मैटर, कोई बात कहता है, ही मीन्स इट मतलब तो ही कीप्स हिज वर्ड, तो वो अपने वर्ड माने होता है वचन के शब्द या बात के शब्द, तो ही कीप्स हिज वर्ड, तब वो अपने शब्द को रखता भी है, मतलब अपनी वचन को पूरा भी करता है, क्लियर। वचन पूरा करने के लिए कीप वर्ड होता, तो ही देन ही कीप्स हिज, हाँ, व्हेन दिस लार्ज एनिमल, व्हेन द राइटर सेज ए थिंग मतलब सेज एनी मैटर, ही मीन्स इट मतलब ही कीप्स हिज वर्ड। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू मतलब बिसाइड्स, मोर ओवर मीन्स बिसाइड्स, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू मतलब ही हैज नो विश टू किल इट, ठीक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, अधिक लंबे समय से नहीं है, मतलब लंबे समय से उसे मारने की इच्छा नहीं, ही हैज नो डिजायर टू किल हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। हिम कर दो या इट कर दो, मच्छर के लिए इट लगा दो। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में अधिक अच्छे ढंग से जानकर, आई हैव कम टू फील, मैं महसूस करने लगा, तो थ्रू नोइंग यू बेटर का एक्सप्लेन आप कर दो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट बेटर, इसे अधिक अच्छे ढंग से समझकर, जानकर मतलब समझकर, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट बेटर या इन ए बेटर वे, ऐसे भी कह सकते हो अच्छे ढंग से, क्लियर। आई हैव कम टू फील मतलब ही हैज कम टू रियलाइज, ही हैज कम टू रियलाइज या ही हैज बिगन टू रियलाइज, वह महसूस करना शुरू कर दिया या महसूस करने लगा, क्लियर। ही हैज बिगन टू रियलाइज, फील मतलब रियलाइज, ठीक है। सेल आई से सार्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, इसको सेल आई से मत करो क्योंकि आपको बताना है, प्रश्न नहीं पूछना, तो ही हैज बिगन टू रियलाइज, अब यहाँ दैट लगा के जोड़ दो, दैट उसके बाद सब्जेक्ट लिखो ही हैज, कि उसके पास एक प्रकार का स्नेह, दैट ही हैज ए सार्ट ऑफ मीन्स ए काइंड ऑफ, एक प्रकार का अफेक्शन फॉर यू मतलब लव फॉर इट, अफेक्शन मीन्स लव, प्रेम या स्नेह, फॉर यू मतलब फॉर इट हो जाएगा, यू को हिम में भी कह सकते हो मच्छर के लिए या इट भी कह सकते हो। तो आई फैंसी दैट, नेक्स्ट सेंटेंस होगा आई फैंसी दैट, तो आई फैंसी मतलब आई इमेजिन दैट, आई मतलब ही हो जाएगा, ही इमेजिन्स दैट, फैंसी मीन्स कल्पना करना, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, सिनोनिम्स यूज कर दो, ही इमेजिन्स दैट सेंट फ्रांसिस, ठीक है, तो वुड हैव कॉल्ड सेंट फ्रांसिस, कामा करके आप लिख दो ए क्रिश्चियन सेंट, क्लियर, ईसाई संत हैं, उनका थोड़ा केसी ने पोजिशन कर दो, सेंट फ्रांसिस कॉमा ए क्रिश्चियन सेंट। वुड फिर कामा करके वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, तो वुड हैव कॉल्ड यू ए लिटिल ब्रदर का हो जाएगा, वुड रिगार्ड इट, वुड रिगार्ड इट एज हिज लिटिल ब्रदर, वैसे अपने छोटे भाई के रूप में मानते हैं, क्लियर। काल मतलब कहना, रिगार्ड मीन्स मानना, और एज हिज लिटिल ब्रदर, ठीक। तो इस तरह से आपका एक्सप्लेन कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कम समझ में आया तो वीडियो आपको एक बार फिर से देख लीजिए, जो कठिन लगे उसको आप लिख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।